हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अभी शाम में निकले हैं, मेला जा रहे हैं। और देखिए पीछे मयंक बैठा हुआ है, उधर से वो देख रहा है। इतना जोर से मत चिल्लाओ। और अभी शाम के 6:30 बजा, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया है क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अब जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम से मेला स्टार्ट होता है और छठ तक रहता है, छठ के बाद ही खत्म होता है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। आज संडे है तो छुट्टी था, तो हम लोग सभी लोग अभी जा रहे हैं वहीं मेला में और देखते हैं मयंक कौन सा झूला झूलता है या हम लोग क्या करते हैं। तो मेरे ब्लॉग को देखते रहिए अंत तक, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है मार्केट, मैं आप लोगों को मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ। मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और मेला भी लगा हुआ है, तो लोग शाम में निकलते हैं अपने बच्चे फैमिली के साथ घूमने के लिए। और हम लोग फिर मेला में पहुंच गए और गाड़ी हम लोग पीछे ही पार्क कर दिए हैं क्योंकि मेला में भीड़ बहुत था। तो फिर गाड़ी इधर अंदर तक लाते तो निकल नहीं पाता जाते समय, तो हस्बैंड बोले कि इधर ही पार्क कर देता हूं और यहां से पैदल हम लोग चलते हैं। और यहीं से दोनों साइड में दुकान लगा हुआ है खाने पीने का और खिलौना वगैरह का। तो मयंक तो कहीं जाता है तो उसका खिलौना पर ही ध्यान अटक जाता है, तो मैं बोली चलो अभी आते समय ले दूंगी। और इधर पीछे से मेरा बड़ा बेटा वीडियो शूट कर रहा था, तो वो बोला मम्मी इधर देखो, तो वही मैं और मयंक हाय बोल रही थी। और देखिए जहाँ पर मेला लगा हुआ है वहाँ पर पहुँच गए हम लोग, और सभी कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, झूला वगैरह। और यहाँ पर देखिए आते ही मयंक बोला कि मुझे इस पर जाना है, तो मैं बोली जाओ। और उसके पापा टिकट ले रहे हैं और देखिए मयंक चला गया है उस पर, झूल रहा आराम से। और उसके बाद फिर यहाँ आ गया मयंक, उसे इस पर भी जाना था। तब तक बड़ा बेटा इस झूला, बड़ा वाला जो झूला है उस पर चला गया, बोला मैं इस पर तब तक झूल कर आता हूँ। बच्चों को तो बहुत इंजॉयमेंट होता है ना मेला वगैरह में जाते हैं तो। और देखिए यहाँ पर फिर हम लोग मौत के कुआं देखने के लिए आ गए, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं मौत का कुआं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को मेला का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। बहुत तरह तरह के झूला लगा हुआ है और भी बहुत चीज यहाँ पर लगा हुआ है मेला में। और देखिए फिर हम लोग यहाँ पर ऊपर आगे सीढ़ी से चढ़कर, और सब लोग यहाँ पर बैठे थे तो हम लोग भी बैठ गए थे क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट होने में टाइम था, सब लोग भर जाएंगे तभी तो स्टार्ट होगा। और इधर देखिए मेरा बड़ा बेटा है, यही है मेरा बड़ा बेटा, आप लोगों से मिलवाई आज। और देखिए फिर मयंक को तो बेचैनी रहता है, बोल रहा मम्मा कब स्टार्ट होगा। मैं बोली हो जाएगा, जब लोग आ जाएंगे तब हो जाएगा। और फिर इस तरह से था बैठने वाला, तो हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ आपस में बात करके हम लोग सब हंस रहे हैं। और देखिए अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ये लड़की है जो मोटरसाइकिल अभी चला रही है, वो लड़की है। पर ऊपर तक एकदम ये लोग आ रहे थे और कोई कोई पैसा वगैरह दे रहा था तो ये लोग ले भी रहे थे। कितना डरावना लगता है फिर भी ये लोग करते हैं, देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और गाड़ी भी केवल पैर से चला रहे हैं कार, और बाहर पूरा शरीर निकाले हुए हैं खिड़की से। हम लोग को देखकर डर लगता है, ये लोग करते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से जब निकली तो इधर इन लोगों को जाना था, मयंक और फिर अपूर्व को, तो वही मेरा बड़ा लड़का बोल रहा है कि मम्मी तुम भी आ जाओ, लेकिन मुझे डर लगता है झूला पर जाने में इसलिए मैं नहीं गई। और देखिए मयंक के पापा दिखा रहे हैं कि मम्मी उधर खड़ा है, तो मयंक मुझे हाय कर रहा था। और सचमुच मेला में आज बच्चों के सामने शर्मिंदा हो गई कि छोटा छोटा बच्चा लोग जा रहा है झूला पर, मयंक जा रहा है, दोनों लड़का जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे किसी भी झूला पर अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है जाने में।
फिर वहाँ से उतरने के बाद मयंक और उसके पापा ये वाले झूला पर चले गए और अपूर्व तो दूसरा वाला झूला पर गया। तो वो लोग खूब इंजॉय कर रहा था, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ठीक है, तुमको डर लगता है तो तुम मत जाओ, क्योंकि ऐसे इस तरह से जाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अपूर्व फिर इस पर चला गया, बोला मुझे इस पर भी जाना है, क्योंकि हस्बैंड को पता है मैं एक बार उनके साथ मेला में इसी तरह से गई थी और बड़ा वाला झूला पर गई थी, तो डर के मारे पूरा शरीर ठंडा हो गया था, ओठ वगैरह काला हो गया था। फिर वो झूला बीच में रुकवा कर मुझे उतरवा दिए थे, बोले इसको उतार दो नहीं तो डर से कुछ हो जाएगा। और फिर देखिए लोग बहुत सारा झूला वगैरह झूल कर इंजॉय किया, उसके बाद हम लोग पेट पूजा के लिए आ गए कुछ नाश्ता करने। घर जा रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 9 बज गया, हम लोग 2.5 घंटा यहाँ पर रहे और अभी थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा भी हो गया, हम लोग कुछ कुछ खा लिए चाउमीन चाट वगैरह, तो अभी जा रहे हैं घर। अब घर जाके देखते हैं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग घर आ गए और अभी 9:15 हो रहा है और मयंक पूछ रहा है कैसे पिलाते हैं। मयंक तो कहीं जाता था, लेकर ही आएगा, धनुष लेकर आया है। दूध रख दो, दूध वाला दूध देकर चला गया था। देखो कैसे, अरे उसको दूसरा में निकाल दे दो ताकि दे, वाह वाह उल्टा लगाती। अच्छा अच्छा बदल गया बदल गया। और मयंक कॉपी किताब ही छोड़ के गया है और मेरा बेड भी इसी तरह से है, सब लोग सो रहा था, सोते सोते उठ के चल दिया सब। अभी जा रही हूँ, अब कपड़ा चेंज करूंगी और हम लोग उधर से कुछ न कुछ खा के आए हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं। अभी देखेंगे, सबसे पूछेंगे जो खाना होगा सबको, तो बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। और देखिए मैं कपड़ा चेंज कर ली थी और डिनर वगैरह हमारा हो गया, क्योंकि लोगों को ज़्यादा खाना नहीं था, तो मैं आ गई मेकअप रिमूव करने के लिए और मैं नारियल तेल से मेकअप रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि नारियल तेल से भी मेकअप रिमूव अच्छे से हो जाता है। और कभी मैं फिर मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, कभी नारियल तेल से कर लेती हूँ मेकअप रिमूव। और अभी तो सर्दियाँ आ रही है तो चेहरा ड्राई होगा, तो नारियल तेल से मेकअप रिमूव करने से मॉइस्चराइजर बना रहेगा चेहरे का। नारियल तेल से अच्छे से मेकअप रिमूव कर ली, तो कॉटन से पूरे फेस को साफ कर ली और यहाँ पर थोड़ा सा फेस को पानी से गीला करके अभी फेस वॉश से 1 मिनट तक अच्छे से साफ कर लूँगी, ताकि चेहरा पर बिल्कुल भी मेकअप ना रहे। मैं तो वैसे मेकअप हल्का ही करके गई थी, कुछ ज्यादा नहीं की थी, फिर भी फेस को वॉश करना जरूरी होता है, मेकअप रिमूव करना जरूरी होता है। अगर रात भर हमारे फेस पर मेकअप रह जाएगा तो हमारा स्किन डैमेज हो सकता है। और देखिए मैं फेस को अच्छे से वॉश कर ली, फिर मैं यहाँ पर टॉवल से ड्राई कर लूंगी और उसके बाद फिर अपना जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होता है वो कर लूंगी। यहाँ पर मैं पूरे फेस पर अभी टोनर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद आई क्रीम लगा लूंगी, क्योंकि मेरा आईज के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आईज क्रीम भी लगाऊंगी यहाँ पर। और उसके बाद सीरम लगा लूंगी, फिर वो लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूंगी और हो गया मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। बस इतना तो करना ही होता है और ये सब करना ही जरूरी होता है, लेकिन मैं भी कभी कभी आलस कर देती हूँ, इधर कितना दिन से मैं ये सब छोड़ दी थी। और फिर मैं बाहर चली गई, गेट वगैरह बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे घर में सब लोग सो गए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ सोने। बाय बाय।